हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपका लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोटलिन, किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है लूप का, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आज उसी की बात करेंगे लूप के बारे में, ठीक है। तो लूप के बारे में पूरा डिस्कस करके आपको समझाऊंगा सी लैंग्वेज में कि लूप को कैसे यूज करना है और क्या क्या रिजल्ट आएगा, उसको ड्राई रन करवा के दिखाऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को, ठीक है। तो आ चुके हैं अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर आपको ये वाला क्वेश्चन तो दिखाई पड़ ही रहा होगा, ये ब्लू कलर में जो है। तो यहां पर देख सकते हैं इसका आउटपुट पूछ लिया जाता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी आपको आउटपुट भी समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है int a is equal to 5 while is less than 10, यानी कि less than 10 की बात करी जा रही है। ये less than 10 से क्या मतलब है भैया, चलिए आइए समझते हैं। देखिए a में क्या स्टोर है, a में है 5, क्या है 5, तो यहां लिख देता हूं 5, ठीक है, a में 5 स्टोर हो गया। अब जब ये लूप चलेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए यहां पर a is less than 10 दिया गया है और यहां पे इंक्रीमेंट भी करवाया गया है, यानी a की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी। पहले a में वैल्यू क्या थी, 5 थी, ठीक है। तो यहां पे आएगा 5 इज लेस देन 10, कंडीशन अभी ट्रू है, ठीक है। लूप आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 जो वैल्यू है वो बन जाएगी 6, ठीक है। क्या 6 इज लेस देन 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन तो है ही है, ठीक है। 6 जो है लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू है, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 इज लेस देन 10, तो यहां पर अभी भी ट्रू है, तो ये फिर आगे बढ़ेगा। देखिए ये जो a प्लस प्लस लिखा है इसका मतलब हुआ इंक्रीमेंट, ठीक है। अब फिर यहां पे आएगा 8, ठीक है, एक बढ़ जाएगा, फिर 8 इज लेस देन 10। अब ये कब तक बढ़ता रहेगा, देखिए तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये इससे बड़ा ना हो जाए, 10 से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कई सारे बनेंगे, मैं बताता हूं अभी। अब देखिए फिर यहां पे क्या होगा, 9 इज लेस देन 10, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, क्या 9 जो है 10 से छोटा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, छोटा तो भाई 9 तो 10 से छोटा ही है। फिर यहां पर आएगा 10 इज लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10, क्या 10 10 से छोटा है, देखिए भैया बराबर तो है लेकिन छोटा तो नहीं है ना, बराबर हो गया ना, तो यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लूप कितनी बार एक्सिक्यूट हुआ, 6 बार चला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि लूप कितनी बार चला, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कि आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट आपके सामने है, आप देख सकते हैं ना, आउटपुट आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट कितनी बार होगा, 9 तक ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको एक बार प्रोग्राम में एक्सीक्यूशन करवा के देखा जाए, तभी तो हमें पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मेन फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, और फिर यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेता हूं, और यहां पर जो क्वेश्चन हमारा था, बारी है इस प्रोग्राम को चलाने की, तो चलिए आइए चलाते हैं। यहां से कंपाइल करवाया, देन यहां से रन करवाया, तो रन करवाया, देख सकते हैं 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिए 3 5 बार ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन चल रहा है लूप 6 बार, समझिएगा लूप चल रहा है 6 बार लेकिन प्रिंट हो रहा है 5 बार, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर दूसरा प्रोग्राम जो दिया गया है उसको अगर बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा, तो दूसरे प्रोग्राम को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रोग्राम में क्या है, मैं यहां पर लिख के आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो यहां पर मेन फंक्शन बनाऊंगा, तो ये बना लिया मैंने मेन फंक्शन, एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहां पर आपको लिखना होगा कोड, क्या कोड लिखेंगे चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे a, ठीक है, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कराया है, एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर स्टोर करा देते हैं जो भी स्टोर कराना है, 10 स्टोर करा दिया इसमें, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, लूप लगाना है, व्हाइल लूप लगा दिया, यहां पर लिखेंगे a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इनिशियलाइजेशन क्या रहा, 10, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर प्रिंट करवाएंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ, इस तरीके से लिखा प्रिंट एफ, और यहां पे दे देंगे परसेंट ई बैक स्लैश एन
और इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से, और फिर कॉमा लगाएंगे और यहां पे क्या दे देंगे, यहां पे सिंपल वे में ए दे देंगे, ठीक है, ए दे दिया, ठीक है। और यहां पर आकर के इसको डिक्रीमेंट करवा दिया, पहली बार मैं इंक्रीमेंट करवा रहा था, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया डिक्रीमेंट, ठीक है। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनानी होती है, यहां पे लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से जरूर बनाइएगा, तो ये लूप की बॉडी हमने बना दी कर्ली ब्रैकेट से, और लास्ट में आके दोनों को क्लोज कर देंगे, बात खत्म, ये तो देख सकते हैं प्रोग्राम बन गया है। अब इसको चलाते हैं, इसका आउटपुट मैंने आप इमेजिन कर सकते हैं क्या आएगा, पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यहां तक आएगा आउटपुट। तो चलिए आइए देखते हैं इसको, ये आउटपुट आएगा कैसे, देखिए आउटपुट में पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूं आपको, ये देखिए यहां पे देख सकते हैं 10 से स्टार्ट है, 10 क्योंकि 10 इनिशियलाइज है तो 10 भी प्रिंट करेगा ये, तो 10 9 से लेके 1 तक ये प्रिंट कर रहा है, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट कुछ इसी तरीके से होगा, अब देखिए ये होगा कैसे उसको दिखाता हूं, ठीक है, दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले a में इनिशियलाइज है 10, 10 इनिशियलाइज है तो 10 को तो ये प्रिंट ही करेगा, ठीक है, 10 को तो ये प्रिंट करने ही वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कह रहा है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, माने a की वैल्यू हमेशा a से ग्रेटर होगी और यहां पे डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो अभी a में क्या इनिशियलाइज है, a में 10 इनिशियलाइज है, ठीक है, 10 इनिशियलाइज है ना, और कह रहा है 1 से ग्रेटर, तो क्या 10 1 से ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल है, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहां पे डिक्रीमेंट होगा, 10 में से एक माइनस होगा, तो a की वैल्यू बन जाएगी, देखिए a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो अभी a में वैल्यू आ जाएगी 9, पहली बार में 10 वैल्यू थी तो 10 तो प्रिंट ही कर देगा ये, फिर वैल्यू आ जाएगी 9, तो यहां a में क्या है 9 है, तो क्या 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो 9 क्या ग्रेटर है, पर भी कंडीशन फॉल्स रहेगी, यहां पर भी कंडीशन फॉल्स रहेगी, फिर एक बार डिक्रीमेंट होगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा ये वैल्यू, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स रहेगी, ठीक है, और जब तक ये फॉल्स रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। फिर यहां पे 7 हो जाएगा, ये जो a की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो ये भी जो है कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आते जाएगा 1 तक जैसे ही आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी की चीजें जो प्रिंट हो रही है यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे जो प्रिंट करवा के दिखाया मैंने वो प्रिंट हो रही है। तो यहाँ देखिए मैं फिर दिखा देता हूँ एक बार, ये रन करवाया तो ये देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज प्रिंट हो रही है।